देखो पंजाब में नाम होते हैं हैप्पी, लक्की, गोगी, शिंटू, पिंटू, पारी इज माय निकनेम। गर्ल्स यूज्ड टू टॉक टू यू बैक देन इन कॉलेज. मैं तो लेफ्ट दोनों गाल आगे कर देता था। हाय गाइस, दिस इज अपार शक्ति खुराना एंड वी आर ऑल सेट फॉर संडे सनडाउनर फॉर करी गेम्स। हां जी, काम्या वर्मा जी, की हाल है मालको? बिल्कुल बढ़िया. पता है, इस इंटरव्यू से पहले मैंने आपका नाम बोलने की बड़ी प्रैक्टिस की. सो अपार शक्ति, वेलकम टू संडे सनडाउनर. इससे पहले शो का नाम था संडे ब्रंच, पर अब खाना तो खा नहीं सकते, इसलिए आपको कहा एक ड्रिंक ही ले आओ साथ में. सो टू बिगिन विद, चीयर्स. चीयर्स, एब्सोल्युटली. हियर यू गो. सो आई एम अ टोटल, आई एम अ टोटल टी कॉफी पर्सन. आई हैव नेवर ट्राइड स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सो फार इन लाइफ. Yeah, that's so I love my coffees and I love my tea. When I have tea, it's only and only masala chai. When I have coffee, it's only Italian roast. अच्छा, अभी आप हो कहाँ? जब से lockdown हुआ है, are you in Mumbai, in Chandigarh? Where have you been spending time? For the first month and a half, or maybe two, and then we packed ourselves up and we drove down to Chandigarh. And so yeah, now I'm in Chandigarh. Especially now that I'm in Chandigarh, I've done a lot of stuff with my father. I've started a new segment on my Instagram called Insta Music. So that's happening. And very soon I'm going to feature Papa on Insta Music. He has a lot of music in him, but people haven't seen him doing anything on music front. He's an astrologer otherwise. So this is the first time he'll be doing something in music. I want to ask you something. You know, Chandigarh, Punjab, mein sabke bade pyare se naam hote hain. Puppy, lovely. Kya aapka naam itna wazandar kaise hai? Dekho, Punjab mein naam hote hain happy, lucky, gogi, shintu, pintu. You know, I also have a kind of name. The nickname is called Pari. Pari is my nickname, and aise Pari dete na, Pari. Punjab mein. Acha, ek Pari de de. पारी एक पारी दे दे वैसे. How girls used to talk to you back then in college? मैं तो लेफ्ट दोनों गाल आगे कर देता था. Sometimes अपने फेस को स्थिर भी रख देता था. No left right. Okay, so yeah, I think my father is very fond of big heavy names. Okay. And I told you that he's an astrologer. इसलिए वहाँ से आते हैं आयुष्मान और अपार शक्ति. और I think when I was growing up, when I was about 3 or 4, जब भी कोई अपार शक्ति बोलता था मुझे समझ नहीं आता था मुझे बुला रहे हैं. मैं खुद भी आसपास देखते रहता था कि घर मुझे पारी बुलाते थे, अपार शक्ति बुला, स्कूल में भी अपार शक्ति बुला रहे हैं. अच्छा, मेरी ना एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटी हूँ. पर मुझे बचपन से ही मेरे दोनों बड़े भाई बहन ने बोला कि मुझे मंदिर से उठाया गया है और मैं अडॉप्टेड हूँ. ये हर छोटे भाई बहन की प्रॉब्लम है यार. आपको बोला था आपको गुरुद्वारे से उठाया हुआ है? हाँ, मतलब जब भी भैया कहते होते थे ये बात, यू नो, आई थिंक हर बड़े भाई या बहन की ना ये चाल होती है, छोटे वैसे ही बस पंगे लेने के लिए. तू आयुष्मान लड़ते थे और किन बातों पर लड़ाई होती थी और जीतता कौन था? यार, लड़ाई बचपन में रिमोट को लेके होती थी. लड़ाई बचपन में वो एक ना ट्रम्प कार्ड आते थे, चीजों में लड़ाई होती थी. WWF होता था या नहीं? हाँ, नहीं, डब्ल्यू ऑफ कोर्स WWF तो जिस घर में, मतलब मुझे लगता नहीं कि उनका बचपन, उनका अधूरा है बचपन. तो वो चोक स्लैम एंड दिस एंड दैट, वो सब चीजें हुई है. अच्छा. और बेड के आसपास ऐसे तकिए लगा देते थे, हम समझते थे ये रिंग है, ये रेसलिंग रिंग है. बड़ा मजेदार. I watched this video जहाँ आपने mention किया है that how you used to bribe Ayushman to do your homework. Is that true और वो हो जाता था? Absolutely. वो ही तो बोल रहा हूँ यार, छोटे भाई का तो जन्म से अधिकार है, बड़े को blackmail करो, बड़े को मतलब
से उससे मतलब आधे काम करा लो, एंड स्पेशली जब आयुष भाई ऐसा बड़ा भाई हो, who has a very nice subtle face, उनकी आंखों में ये कि ये तो कुछ ये झूठ नहीं बोल सकता, ये शरारत नहीं कर सकता, और मेरी आंखों में कि ये ही शरारत करेगा और ये ही झूठ बोलेगा. तो that's the difference between the younger sibling. आपकी आंखों में भी है वैसे, इसलिए हाँ. मैंने did you see, आपने नजायज फायदा उठाया उनकी शराफत का. हाँ जी, हर बार जिंदगी भर उठाता रहूंगा. हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पंजाब में और मुंबई? मेजरली फूड. आई थिंक पीपल हियर लव फूड. दे जस्ट ऑल द टाइम वांट टू टॉक अबाउट फूड. दे वांट टू यू नो स्पेशली इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक अमृतसर, यू नो वहां तो मतलब आप लगा लो कि वहां का दिन भर की डिस्कशन ही होती है कि चलो जी अमृतसर कुलचे खा लें, यार बड़े अच्छे थे, चलो फिर अब फ्रूट क्रीम खा लेते हैं, यार फ्रूट क्रीम कितनी अच्छी है, अच्छा चलो अब जाके सुंदर के टिक्के खा लेते हैं, यार सुंदर का टिक्का कितना प्यारा है, चलो यार वहां जाके फलानी फलानी जगह ना दाल मखनी खा लेते हैं. तो एक तो वहां पे इतनी सारी जगहें खाने की. माय वाइफ्स नानका इज फ्रॉम अमृतसर. ओके. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू थिंक यार मुझे ना अमृतसर की लड़की से शादी करनी है ताकि ना अमृतसर जा सके. सो या आई मीन उसके बाद मैं भूल गया ये बात सोच के मैं भूल गया. And when I was getting married, and when I got to know ki Kuku's Nankas are from Amritsar, and abhi main Nana ji ko milke aaya hu recently. So, yaar kya Amritsari kulche hai yaar, aap pagal ho jaoge. Matlab you'll be like, uff, kamya mein, matlab suddenly mere dimag se na, matlab ye call aur coffee mein bhool gaya hu. I want to go to Amritsar suddenly. So yeah, it's just amazing. You know, Punjabi gharon mein do cheezon ki baat hoti hai. Ek वजन किस तरह घटाए, दूसरा राती खाने में क्या बनाए. तो क्या होता है, नहीं नहीं वो कहते हैं, ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन वो कहते हैं यार मैं क्या खाऊं जिससे मेरा वजन कंट्रोल में रहे. अच्छा. क्या खाऊं की बात हो रही है, मैं क्या खाऊं. बंदा कहता है डाइटिंग करता हूँ यार मैं, तो वजन कंट्रोल में रहे. क्या खाऊं की वजन कंट्रोल में रहे, मैं कुछ ना खा दूं तो वजन कंट्रोल में रहेगा. But yeah, I mean, I think all the time we love our food. We love our food. We love our music as well, by the way. I think all the folk songs like Bajre Da Sitta, like Nahi Jana, Nahi Jana, Nahi Jana, Mere Maino De Naal Nahi Jana. So all these songs, I think they just bring out the best. And all these folk songs, I think they depict how music is there in the blood. And even you know, cult folk songs like Kali Teri Gutt Te Parand Tera Lalani Roop Diyo Rani Tu Parandenu Sambhalani, or like that one, yaar piche piche on meri jaan ve na aayi, piche piche on meri jaan ve na aayi, chera waleya vekhda aayi mera long watch. So I think Punjabis love their music, they love their food, they love their parents, they love their friends. But having said that, I must say I'm so happy to come to Mumbai after this, after this Punjabi upbringing, so to say. Because मुझे मुंबई में ना जितने जितने तरीके के लोग मिलते हैं ना, जितने जितने you know, चाहे religion हो, चाहे अलग अलग geographical location से आए हो, वो कोई UP से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, you know, कोई दिल्ली से आया है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है उनके कल्चर्स को जान के, उनके कल्चर के फूड और पहनावे को जान के. यू नो आई लव वेयरिंग अ लुंगी, एंड मैं बल्कि अभी म्यांमार भी होके आया हूँ कुछ टाइम पहले. लॉकडाउन से पहले मैं म्यांमार होके आया हूँ. म्यांमार जो पहले बर्मा होता था, म्यांमार है. एंड माय मॉम वाज बोर्न देयर. वहां पे सब लोग लुंगी पहन के घूमते थे. I took my mom back home after 55 years. She was born there and she was about 15 when she came to India. She's touching 70 now. Main 55 saal ke baad unko ghar leke gaya hu, and it was so nostalgic and itna maza aaya ghar wapas jaake. It's amazing. Traveling pasand hai, because Curly Days is actually food and travel platform. That's the other thing that I want to do. You like traveling? I was never a traveler, I'll be honest. Now I love traveling. My wife has turned me into a traveler. For me, it was always travel for work. Okay.
I never wanted to take an off. I did not know the idea of spending time with yourself. So this is आजकल मेरी वाइफ क्या कहती है मुझे कुछ टाइम से कि पारी कम let's do nothing और traveling when did you realize that okay traveling भी थोड़ा एक अच्छा experience हो सकता है यार after we started exploring Europe I think उसके बाद से before that for me it was I was just a loud Punjabi boy. It was London for shopping, Dubai for shopping, this and that. So I was just a loud Punjabi boy who loved his shopping. ये difference आपने नहीं बताया about the you know how much Punjabis love to shop. यार ये तो और ये बात करते करते कल हो जाएगी मतलब एक दिन निकल जाएगा. Okay, quickly बताता हूँ. I'm the shopper in the family. Kuku hates shopping. Now we don't go to a mall together. Okay. Because we end up fighting. Touchwood hamari kabhi ladai nahi hoti hai, sirf mall mein enter karte hi ladai ho jati hai. Five minutes into shopping, yaar. So, and wo itna unko na pasand hai shop karna. That in the past 5 years now, whatever she's wearing from head to toe, her sunglasses, her watch, her t-shirt, her denims, her shoes, her skirt, everything I've shopped for her. Everything. Without taking her to the mall. Jab wo khud I can state to this, I am married to a Punjabi guy. I hate shopping and he loves shopping and he's been shopping for me. So. Yaar, wo khud try room jaati, wo khud shopping karne jaati hai, toh galat fitting leke aati hai. Main shopping karke laata hun, bina unko leke gaya, toh better fit leke aata hun. वेरी गुड. बट ये बात बताओ, आप दोनों भाइयों ने इतनी जल्दी शादी कर ली, कोई खास वजह? मतलब बॉलीवुड में सब बड़े आराम से शादी करते हैं, बट बोथ योर ब्रदर्स आर मैरिड ऑफ लाइक वेरी अर्ली. डेटिंग आवर रिस्पेक्टिव गर्लफ्रेंड्स सन आर नाउ आवर वाइव्स एंड वी आर इन लव विद देम ऑफ कोर्स एंड वी न्यू दैट दिस इज द पर्सन वी वांट टू यू नो सेटल डाउन विद सो टू से. आई थिंक इट्स आल्सो वेरी स्मॉल टाउन थिंग यू नो नियर में सबकी शादी हो जाती है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. This is, you know, I think I'm very happy about it that I got married at the right time with the right. There's no right time, though. No? For me, it was the right time. You know, I got married at the right time with the right girl, and you'll not believe, yaar. Shaadi se pehle na, dude, main kitne logon ke paas jata tha, anchoring, acting, music, alag-alag tarike ka creative kaam mangne ke liye. Nobody entertained me. Na hi mail ka reply aata tha, na messages ka, na calls ka, na meeting line up hoti thi. Yaar, when I got married, apne aap cheezein theek ho gayi. Apne aap logon ke phone aa gaye. I never believed in lady luck, but it just came to me with so much of happiness and so much of warmth that I have been it now. Whatever little I've achieved is only and only because of my wife. And this could not have happened. No, no way. No way. The best part I love about my little journey is people don't, you know, when they meet me at an airport or, you know, anywhere, they don't come and say, Aparche Bikura. They come and say, Bittu, Vicky, please go. एक बार बिकी प्लीज बोल दो. यार देन दे विल सम पीपल विल कम एंड स्टार्ट टॉकिंग इन हरियाणवी थिंकिंग दैट आई एम ओमकार फ्रॉम गर्ल यू नो. देन समबडी विल कम एंड यू नो आई वाज रिसेंटली इन लखनऊ एंड लाइक भाई कैसे हैं. सो माय नेम इन पति पत्नी और वो इज फाइन जैसी. सो यू नो व्हेन दे डू दिस टू मी आई एब्सोल्युटली मुझे मेरा ऐसे मतलब ऐसे ना दिल इतनी हैप्पीनेस होती है ना उससे. In fact, एक फूड शो देखा, which is Eat This मेरी जान, जिसमें I think you've been roaming around and trying out different food. तो एक गेम खेलते हैं. I'm gonna give you a dish और अपनी anchoring style में आपको उसके बारे में कुछ बोलना है. Okay, let me try. दिल्ली की चाट. अरे क्या बात है यार, दिल्ली वालों की क्या ठाट है और दिल्ली वालों की क्या चाट है, दोनों वही भाई साहब 10 on 10 है. Okay guys. दिल्ली की चाट यूपीएससी की चाट है ये. आई रिमेम्बर गोइंग टू दिस प्लेस अबाउट 8 years बैक
एंड आज भी दोबारा जब मैं यहां पे आया हूं एग्जैक्टली सेम टेस्ट अंदर मेल्ट कर जाते हैं दही भल्ले चाट पापड़ी आप कुछ भी यहाँ पे ट्राई कर लो यूपीएससी के चाट पापड़ी 10/10 ऑलवेज ऊपरऑल आपको अपार शक्ति दे करियर स्वॉप कर लेते हैं ये तो आप मेरा जॉब बिल्कुल से टेक ओवर कर लेंगे ओके चलो नेक्स्ट रैपिड फायर राउंड विल प्ले ओके यू हैव टू यू नो बी क्विक एंड आंसर दंगल या सात उचक्के सात उचक्के 100% बीवी के हाथ का खाना या माँ के हाथ का खाना माय वाइफ डजंट कुक आई मीन शी डज really like cooking that's not her first you know hobby so by default mama's you know food but otherwise mamma ke haath ka bana hua khana aur biwi ke haath se khana that's the perfect combination yeah okay chandigarh street food or delhi street food delhi street food apar shakti as a foodie or a traveler foodie 100% foodie मैं हर जगह खड़े होके हर जगह फूड का फूड पानी का पानी कर देता हूँ ओके इफ नॉट एन एक्टर व्हाट वुड यू बी मे बी अ फूड रिव्यूअर ओके इंटरेस्टिंग हु लव्स यू मोर मॉम और डैड माय मॉम और वैसे भी मॉम्स को छोटे वाले बच्चे ज्यादा पसंद है एब्सोल्युटली One more thing I want to say कि जितने भी मैं religious place में गया हूँ या कभी you know मैंने देखी हैं चीजें कहीं ना कहीं कुछ level की corruption है हर जगह तो यही एक ऐसा relationship है जहाँ corruption नहीं है कोई भी this is only non-corrupted relationship this is only non-corrupted you know source of some spiritual connection I can say that's sweet ठीक है आपने तो बता दिया यू लव योर मॉम बट व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स हु डू दे लव मोर यू और आयुष्मान अकॉर्डिंग टू माय मॉम लव्स मी मोर एंड भैया लव्स आई एंड पापा लव्स आई ओके एंड आयुष्मान इज अ बेटर ऐसा मुझे लगता है ओके आयुष्मान अ बेटर एक्टर और बेटर ब्रदर यार देखो अभी थैंक गॉड इज अ बेटर एक्टर That's why he has 7 back hits. No other A-lister has that. And, you know, I can't be more polite about it. So, yeah, I think he was just born to be, you know, an actor, born to be an artist. Last ek question puchna chahungi. You know, you seem to be very happy-go-lucky. Bilkul dil khol kar haste ho aap. And you're also the same on screen. But aapki career mein, you know, it is a struggle to be an actor. Did you ever feel demotivated? And if yes, how did you overcome that situation? Touchwood, I've never felt demotivated. Of course, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे हो. You know, a fair amount of lows in my personal and professional life as well. And I try to do things which make me happier. You know, like music, like food, like We started our conversation with chai biscuit, right? And we're now about to finish our conversation. यार चाय बिस्किट मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देती है। मैं चाय बिस्किट खा पी रहा होता हूँ जब मैं भूल जाता हूँ कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है। So do things which make you happier. Hang out with people who make you happy. You know, talk to people who make you happy. Lockdown के 1 week into the lockdown, I made a list of people जिनको मैंने एक-एक करके call करना है। उस लिस्ट में 142 लोग हैं 142 wow. के कॉल करना है और मतलब आधे से ज्यादा को मैं कर चुका हूं और बाकियों को भी करना है मुझे दीज आर द पीपल हु ऑलवेज हु आर ऑलवेज लाफिंग एंड ऑलवेज हैप्पी अबाउट लाइफ मतलब मैं कॉल करता हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं सोचता हूं 10 मिनट में रखूंगा दो दो घंटे बात चलती है फोन पे यार आज की डेट में 2 घंटे कौन फोन पे बात करता है यार सो आई थिंक दैट्स माय वे ऑफ डीलिंग विद इट फूड फैमिली म्यूजिक फ्रेंड्स सो एंड आई थिंक इट्स दिस वे इट्स वेरी इजी टू डील विद इट इफ यू टेक दिस रूट एब्सोल्युटली या ओके पाशा की लवली टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड जॉइनिंग अस ऑन सनडाउनर चीयर्स
All mine. Yeah, you know what? ये जो curly tails और जो curly बाल हैं, ये बातें करते करते इतना time निकल गया, मुझे पता ही नहीं था कि हम इतनी सारी बातें कर लेंगे. I had a great time. Thank you so much for all the love and appreciation. Thank you. Pari. Yeah. Otherwise. Kavya, ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया?